दोस्तों अब हम आए हैं बर्लिन वॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये जो पूरी बड़ी वॉल है, दिस इज द बर्लिन वॉल। कुछ जगह पे ये टूटा हुआ है, तोड़ा हो गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, बट दिस इज इट। ये बर्लिन वॉल का पूरा नज़ारा है। कुछ जगह पे इट इज़ डिस्ट्रॉयड एंड कुछ जगह पे इट इज़ स्टिल इंटैक्ट। ये पूरी इंफॉर्मेशन है बर्लिन वॉल की, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द फोटोज ऑफ बर्लिन वॉल। This is the photo in which it is destroyed, and this is the photo of Berlin Wall constructed, and this is another photo and followed by some information. So friends, let's talk about some facts and information about Berlin Wall. ये जो wall है, this was constructed in the year 1961 and destroyed in the year 1989. This wall was constructed to divide East Germany and West Germany. Okay, उस दौरान East और West Germany में बहुत सारे झगड़े चालू थे और इसके वजह से ये wall construct किया था। This wall was constructed after World War II, and the main purpose of constructing this wall was to keep away the Western Germany people from entering the Eastern Germany. ये अच्छा है कि यहाँ पे information जो है वो जर्मन और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि जितनी बड़ी सिटी उतना उस सिटी में ज़्यादा इंग्लिश बोला जाता है। अच्छा, सो गाइज एज यू कैन सी हियर, दिस इज द सीमेंट बेस ऑफ अ बॉर्डर फेंस। सो ये पूरा सीमेंट बेस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल का कुछ पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है, एंड यहाँ से वॉल जो है लुक्स इंटैक्ट और वहाँ पे अगेन इट इज़ ब्रोकन। सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बट यस सम पार्ट ऑफ इट इज़ श्योरली destroyed, and this is the entire view. ये जो है ये कुछ सीमेंट के फेंस है, ये दूसरा वाला है, वहाँ पे तीसरा वाला और लास्ट में चौथा वाला। सो इसका सिग्निफिकेंस तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार मुझे भी गूगल करना पड़ेगा। पैसा बर्बाद, या फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दिस इज बेस ऑफ टॉम्ब। ये आप इंफॉर्मेशन है, रिमेन्स ऑफ सिमेट्री वॉल। It is one of the most significant places in Berlin and it has huge historic importance as well. ठीक है। So
सो फ्रेंड्स वी आर एट द बर्लिनर डॉम. क्या बोला तूने? देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज. ठीक है समझ गया. द कलर्स द शेड एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टोन. द डॉम इज ऑफ लाइट ब्लू कलर फॉलोड बाय अ क्रॉस एट द टॉप. और बीच में जो है वो पेरिस के आईफिल टावर जैसा लग रहा है छोटा सा. इफ यू कैन सी इट क्लियरली नीचे एक लेक है एंड दिस इज द एंटायर व्यू. ये जो बर्लिनर डॉम जो आपने अभी देखा इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1905. ओके 1905. सो ये पूरा ब्रिक और स्टोन का कंस्ट्रक्शन है एंड इट इज़ अ वेरी एंशंट मॉन्यूमेंट. इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ बर्लिन सिटी. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस व्हेन यू कम टू बर्लिन. और यह है नज़दीक से ऐसा दिखता है बर्लिनर डॉम डोम. और सी वहाँ पे एक कुछ छोटा सा फाउंटेन है. लेट्स गो देयर. ओहो क्या बात है. क्या बात है. टू बी ऑनेस्ट बर्लिन इज अ वेरी क्राउडेड सिटी. और आप देख सकते हैं आज वीकेंड भी नहीं है फिर भी इतने लोग हैं. दिस बर्लिनर द बर्लिनर डॉम जो आपने अभी. सो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ क्या है. ये जो यहाँ से सो ये जो वॉल है ये क्यों कंस्ट्रक्ट किया था. क्योंकि इस दिस वॉल सिग्निफाइज द